भूत शरीर के बिना एक आत्मा है, लेकिन वो किसी का भी शरीर धारण कर सकते हैं। हाँ, कोई भी, यहाँ तक कि जानवरों के शरीर को भी धारण कर सकते हैं। ये स्थिति अस्थायी हो सकती है, जो दुर्लभ मामलों में होती है, लेकिन ज्यादातर भूत किसी के शरीर पर कब्जा कर लेता है तो वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि मानव या जानवर का शरीर बन ना जाए। आज की घटना भूतों की सबसे दुर्लभ घटना में से एक है, जहाँ वे केवल न अपने रखने और रहने के लिए शरीर बदलते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को किसी भी कीमत पर खा जाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो रत्ना नायडू ने आंध्र प्रदेश से मेरे साथ शेयर किया है। रत्ना ने बताया कि एक आदिवासी फैमिली थी, उस फैमिली में ना हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड का नाम अरुण था और वाइफ का नाम लक्ष्मी था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों को ना बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। अब लक्ष्मी ना 7 बार प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। 7ों बार उसके बच्चे किसी न किसी वजह से मर जाते हैं। कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है, कभी कभी बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो मर जाता है, कभी कभी 2-3 दिन के अंदर ही बच्चा मर जाता है। बहुत इलाज करवाया जाता है, डॉक्टरी इलाज भी करवाया जाता है, जहाँ तक कि बाबाओं के पास भी जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 7ों बार ऐसा ही होता है, बच्चा पैदा होता है मर जाता है, बच्चा पैदा होता है मर जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत टेंशन में है। अब 8वीं बार लक्ष्मी फिर से प्रेग्नेंट है, सोचते हैं क्या करें, अब हमें बच्चा किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए और हमारा बच्चा जो है ना सही सलामत पैदा होना चाहिए। तो उनका ना एक पड़ोसी होता है, अरुण का एक पड़ोसी होता है, वो बोलता है मैं ना एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो भूतों पर ना अपना कब्जा करता है, कब्जा करने के बाद वो उनसे काम करवाता है, जो भी वो चाहे ना वो भूतों से काम करवा सकता है। तो क्यों ना तुम लोग उस बाबा के पास जाओ, तुम्हारा बच्चा भी जिंदा रह सकता है भूतों के थ्रू काम करवा के। तो अरुण बोलता है ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो अरुण बोलता है ठीक है, हम लोग उस बाबा को कब मिले। तो अरुण का जो पड़ोसी होता है ना, वो अरुण को बोलता है चल हम लोग ना बाबा को फोन कर आते हैं, पूछ लेते हैं कि कब चलना है। तो वो दोनों क्या करते हैं, अब जंगल से बाहर निकलते हैं। आदिवासी लोग होते हैं, जंगल में ही रहते हैं। तो वो जंगल से जैसे बाहर निकलते हैं ना, हाईवे के पास एक टेलीफोन बूथ होता है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, टेलीफोन करते हैं, बाबा को फोन करके पूरा किस्सा बताते हैं। तो बाबा पूरी बात सुनने के बाद बोलता है ठीक है, आपसे ना 15 दिन के बाद ना अमावस है, तो अमावस को तुम लोग ना रात के सही 12 बजे मेरे पास पहुंच जाना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ना तो इससे पहले आना ना ही इसके बाद आना। तो वो बोलता है ठीक है। अब ऐसा करके ना अरुण वापस अपने घर पर आ जाता है, वो लक्ष्मी को बताता है। अब लक्ष्मी जो है ना वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि अभी फिर से उसको 8वां बच्चा होने वाला है। तो वो दोनों सोचते हैं कि शायद इस बार हमारा बच्चा सही सलामत पैदा होगा, जो बाबा है बहुत चमत्कारी है, तो हमारा बच्चा अब अच्छे से पैदा होगा, हमारा बच्चा अच्छी उम्र जिएगा। तो दोनों बहुत खुश होते हैं। 15 दिन अभी वेट करनी है, तो बहुत उत्सुकता के साथ 15 दिन की वेट करते हैं। अब वो दिन आता है, अमावस की रात आती है, तो वो क्या करते हैं, 6 बजे ना उनके वहां से, उनके एरिया से लास्ट बस जाती है। तो 5:30 बजे वो एक्साइटमेंट में पहुंच जाते हैं बस स्टॉप पर, कि कहीं लेट ना हो जाए। अब लक्ष्मी है भी प्रेग्नेंट, 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो वो धीरे धीरे करके घर से निकलते हैं कि ताकि हम लोग पहुंच जाए, टाइम पर पहुंच जाए, बस मिस ना हो। बस स्टॉप पर पहुंचते बस की वेट करते हैं कि बस मिस ना हो जाए, आखिरी बस है। छोटा सा कस्बा है जहाँ पर जल्दी जल्दी तो बस आती नहीं है, और ठंडियों का सीजन है, कहीं बस मिस होगी, अंधेरे में बस चली ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो 5:30 बजे ही ये लोग दोनों क्या करते हैं, बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ना 6 बजे के बाद बस नहीं आती है, क्योंकि बहुत खतरनाक एरिया है, जंगल जैसा एरिया है, आदिवासी लोग रहते हैं, शेर भी बहुत पाए जाते हैं। तो 6 के बाद यहाँ पर कोई बस नहीं आती है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो ये लोग ना 5:30 ही बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब वेट करते हैं, 6 बज जाते हैं, 6 की जगह 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, बस आती नहीं है। तो दोनों ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना लेट तो बस कभी हुई नहीं है, आज अचानक क्या हो गया। तो वहां से ना बाजू में से एक गांव से बंदा आता है, स्कूटर पर एक बंदा आता है। तो ये अरुण उसको पूछता है भाई तूने बस का, तुझे कुछ खबर है, अभी तक बस क्यों नहीं आई। तो वो बंदा बोलता है अरे वो उस बस का तो एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरे से उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको ठीक होने में ना, उस बस को ठीक होने में 7-8 घंटे लगेंगे, इससे पहले तुम्हें बस नहीं मिल सकती है, मतलब आज तो वो बस आएगी नहीं। तो दोनों बड़े टेंशन में आ गए, आज का ही तो दिन है, आज ही बाबा ने बुलाया है, अमावस की रात तो आज ही है। अब लक्ष्मी बोलती है चलो जी हम लोग ऐसा करते हैं, जंगल के बीचों बीच होकर चलते हैं, हमको आसपास में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ट्रक वगैरह। तो अरुण बोलता है ठीक है। अब दोनों चलते हैं, चलते जा रहे हैं, अभी रात का टाइम है, मैंने बताया कि अभी ठंडी का सीजन है और जंगल जैसे एरिया में अंधेरा ही अंधेरा है, फिर भी दोनों
हार नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको अपना बच्चा सही सलामत चाहिए रहता है। तो दोनों चलते हैं, तो आगे जाके देखते हैं ना कि एक ट्रक आता है, तो अरुण उस ट्रक को हाथ देकर रोकता है। जैसे वो ट्रक रुकता है ना, तो दोनों देखते हैं कि बहुत ही पुराने स्टाइल का वो ट्रक है, लेकिन जो ट्रक की हालत है ना बहुत अच्छी है। तो अरुण अब ड्राइवर के पास जाता है, उसको वो जगह का नाम बताता है कि मुझे इस जगह पर जाना है, क्या भाई साहब आप मुझे छोड़ सकते हो? तो ड्राइवर बोलता है देखो आगे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसा करो आप दोनों ना पीछे बैठ जाओ। तो अरुण बोलता है ठीक है। अब दोनों क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ ट्रक में बैठते हैं। जैसे ट्रक के अंदर जाते हैं ना, तो देखते हैं बहुत सारे लोग ट्रक के अंदर बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, दोनों सबको नॉर्मल जैसे होता है स्माइल देते हैं, वैसे वो सबको स्माइल देते हैं। तो ट्रक में जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, सब घूर के देखते हैं, गुस्से में देखते हैं। तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, लक्ष्मी बैठी है, तो एक औरत ना लक्ष्मी के पास आती है, उसके पेट पर हाथ घुमाती है, बोलती है आज तो बलि का इंतजाम हो गया है। तो लक्ष्मी को ना गुस्सा आता है और लक्ष्मी ना उस औरत का हाथ ऐसे झटक देती है और गुस्से में बोलती है क्या बकवास मार रही है, बलि का इंतजाम हो गया। तो सब लोगों की ना आंखें धीरे धीरे लाल होने लग जाती है, सबकी आंखें लाल हो गई हैं और अजीब से सबके बड़े बड़े दांत हो गए हैं और उनकी ना ऐसे लग रहा है जैसे कान ही नहीं है, बिना कानों के सब लोग हैं, अजीब सी गंदी सी स्किन हो गई है, अजीब सी बास आ रही है। तो अभी अरुण क्या करता है, लक्ष्मी को बोलता है लक्ष्मी जल्दी कूद। तो लक्ष्मी बोलती है क्या, बोला बोलता हूँ ना तुझे जल्दी कूद जा ट्रक में से, कूद कूद फटाफट फट कूद जा। तो लक्ष्मी क्या करती है, चलती हुई ट्रक में से कूद जाती है। जैसे वो जंप करती है ना नीचे, तो अरुण भी क्या करता है फट से जंप नीचे कर देता है और लक्ष्मी को पूछता है लक्ष्मी तो ठीक है? तो लक्ष्मी बोलती है नहीं 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 मेरे को ना अभी लिवर पेन स्टार्ट हो गया है, अब कभी भी बच्चा हो सकता है। तो अरुण बोलता है देख हमें अपने बच्चे को बचाना है, हिम्मत कर हमें यहाँ से भागना ही होगा। अब दोनों भागना स्टार्ट करते हैं, तो उनको ना पलट के वो ट्रक की ओर देखते हैं, तो कम से कम 600-700 मीटर की दूरी पर ना वो ट्रक उनकी आंखों से गायब हो जाता है, पूरा ट्रक ओझल हो जाता है। और ट्रक ओझल हुआ, अब ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे भागना स्टार्ट करते हैं ना, तो इनको ना ऐसे पीछे से आवाज आ रही है जैसे कोई फौज इनके पीछे लगी हुई है। अब ये क्या करते हैं, फट से देखते हैं पीछे, पलटी मार कर देखते हैं, तो उस ट्रक के अंदर जितनी भी भूत होते हैं ना, सभी भूत वो धड़ करके आगे आ रहे हैं। तो ये भी भागते जा रहे हैं, काफी दूरी पर ये लोग भागते हैं, वो भी काफी दूरी पर है। अब पास ही में क्या होता है, एक शेर होता है, बाजू में ही एक शेर था। वो जो भूत होते हैं ना, सब भूत उस शेर के अंदर समा जाते हैं और वो शेर अभी क्या है, घूरता है, अजीब सी आवाज करता है, ऐसी आवाज करते घूरते हुए ना फटाफट इनकी ओर आ रहा है। तो ये लोग कंटिन्यू भागते जा रहे हैं। अब जैसे ही अरुण देखता है कि शेर हमारे पास आने वाला है ना, तो अरुण क्या करता है, लक्ष्मी को बोलता है लक्ष्मी ऐसा कर अभी तू लेफ्ट साइड में भाग और मैं राइट साइड में भागता हूँ, मैं शेर का जो ध्यान है ना भटकाता हूँ। तो लक्ष्मी बोलती नहीं मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तो अरुण ना लक्ष्मी को अपने बच्चे की कसम देता है और खुद की कसम देता है, बोलता है तुझे मेरी कसम और अपने बच्चे की कसम, तुझे ना जिंदा रहना ही होगा और इस बच्चे को बचाना होगा, मैं तू मेरी टेंशन मत ले, मैं हर हालत में तेरे पास पहुंचूंगा, तू बस भाग यहाँ से। तो अब लक्ष्मी भागना स्टार्ट करती है जैसे लक्ष्मी भागना स्टार्ट करती है, वो लेफ्ट साइड में भाग रही है, अरुण राइट साइड में भाग रहा है, कंटिन्यू भाग रहा है और देख रहा है ना, और शेर उसके पास आने वाला है, शेर की ओर देखते वो धार देने नीचे गिरता है, पत्थर से टकरा के गिरता है और अपनी वाइफ को देखता है, लक्ष्मी को देखता है। लक्ष्मी के पीछे भी एक शेर भाग रहा है, वो बहुत टेंशन में आ जाता है, उसकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है ना, हवा को चीरते हुए वो लक्ष्मी के पास आता है, फटाफट दोनों भाग रहे हैं और जैसे उनका पैर हाईवे पे आता है ना, तो वो शेर वहीं पर रुक जाते हैं। दोनों हाईवे के पास खड़े हैं और देख रहे हैं कि शेर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे उनकी हद बस उस जंगल तक की थी, हाईवे के पास पता नहीं वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो शेर जो है ना बहुत गुस्से से, दोनों शेर चिल्लाते हैं, घूर रहे हैं, यहाँ तक कि अजीब सी अभी अपना कुत्तों की रोने की आवाज आ रही है, चमगिद्दड़ जो है ना इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी लक्ष्मी और अरुण को टच नहीं कर पा रहा है वहां पर। अभी क्या होता है, लक्ष्मी को बच्चा होने वाला है, तो लक्ष्मी बेहोश हालत में नीचे गिरने वाली होती है। जैसे नीचे गिरने वाली होती है ना, अरुण फट से उसको अपनी गोद में उठा लेता है और देखता है पास ही में ना एक झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी में वो लक्ष्मी को लेकर जाता है। वहां पर लक्ष्मी की डिलीवरी होती है और लक्ष्मी को ना एक बच्ची पैदा होती है, मतलब एक लड़की पैदा होती है। और अभी ये पूरा जो किस्सा था, पूरी रात इनके साथ ये हुआ। अब वो अमावस की रात चली गई, दिन का टाइम आ गया, ये लोग उस बाबा के पास पहुंच ही नहीं पाए। फाइनली अरुण अपनी वाइफ को लेता है और अपने घर पर आ जाता है और उस जी का नाम रत्ना नायडू है, जो जिसने ये किस्सा मेरे साथ शेयर किया। दोस्तों आज रत्ना नायडू जो है एकदम सही सलामत है, अच्छे से उसने पढ़ाई भी की है और अपने माँ बाप का भी अच्छे से पूरा देखभाल करती है, तो वो अक्सर मेरे वीडियो देखती है, तो उसने ये किस्सा मेरे साथ शेयर किया।
दोस्तों मेरा मानना ये है कि जहाँ साहस है वहाँ उम्मीद है, और जहाँ उम्मीद है वहाँ जिंदगी है। जैसे लक्ष्मी और अरुण ने अपनी लड़ाई लड़ी, अच्छे से सामना किया और फाइनली जीत हासिल की, तो हमें भी अपनी चिंताओं को देखकर डरना नहीं चाहिए है, हमें उनका सामना करना चाहिए, फाइनली हम भी जीत हासिल करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक और भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।